नमस्ते दोस्तों, क्या जब भी आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट उनको नहीं दिखती है? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो आज हम यही जानेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। जब बात आती है गूगल पर किसी भी वेबसाइट को सर्च करने से रिलेटेड, तो आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो वेबसाइट दिख जाती है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण है और क्या स्टेप्स आपको लेने हैं जिससे कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्पीड अप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो होस्टिंग प्लान लेते हो वो एकदम रिलायबल लेना। जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो और उसको डोमेन और होस्टिंग के साथ लाइव करते हो, तो इससे पहले आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, और वो ये है कि कितने प्रकार के होस्टिंग होते हैं। होस्टिंग तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है VPS होस्टिंग और तीसरा है क्लाउड होस्टिंग। आपको इसमें से तय करना होगा कि आपकी वेबसाइट कौन से प्रकार के होस्टिंग के साथ फिट बैठती है। जब आप ये तय कर लेते हैं उसके बाद आप उससे रिलेटेड प्लान्स को खरीद सकते हैं और अपनी वेबसाइट को उस पर होस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो एकदम स्पीड में चलेगी। यहाँ होस्टिंगर पे हम लाइट स्पीड वेब सर्वर्स का यूज करते हैं, ना कि अपाचे सर्वर, जिसका फायदा हमारे यूजर्स को ये मिलता है कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर जो हाई ट्रैफिक आता है उसको हैंडल करने में हमारे सर्वर्स क्षमता रखते हैं, और तो और आपकी वेबसाइट स्पीड में भी चलती है। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को डोमेन और होस्टिंग के जरिए लाइव करते हैं तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर का सर्वर है उसका लोकेशन हमेशा याद रखिए कि नज़दीक वाला रखिए। इसका कारण ये है कि जब भी आप अगर अपने सर्वर का लोकेशन नज़दीक वाला नहीं रखते हैं तो आपके यूजर्स को परेशानी हो सकती है, वेबसाइट आपकी स्लो दिख सकती है। इसका कारण दूसरा ये भी है कि आपकी वेबसाइट एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रैवल करके आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाती है। तो अगर आपने अपना जो सर्वर का लोकेशन है वो दूर रखा होगा तो शायद ये हो सकता है कि आपके यूजर्स को आपकी वेबसाइट दिखाने में स्लो हो सके। और अगर आप होस्टिंग करके यूजर है तो आइए जानते हैं कि आप अपने सर्वर का लोकेशन चेंज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एच पैनल पर आए, फिर यहाँ सर्वर को देख सकते हैं, उसके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपने सर्वर के लोकेशन को सिलेक्ट कर लें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर दें। याद रहे सर्वर को 12 से 48 घंटे लग सकते हैं ट्रांसफर होने में। नेक्स्ट स्टेप है CDN को यूज करना। CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ सर्वर होता है जो कि लगभग हर लोकेशन पे मौजूद होता है। इसका यूज करने का मकसद ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को CDN से कनेक्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि CDN आपकी वेबसाइट की कॉपी हर एक उसके सर्वर पर सेव करके रखती है, ताकि जब भी आपके यूजर्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो आपके यूजर्स के नज़दीक वाले CDN सर्वर से वो वेबसाइट देख सके। सबसे पहले आप एच पैनल पर आए, फिर यहाँ सर्च करें डोमेन्स और यहाँ Cloudflare पर क्लिक करें। यहाँ आप इस अनेबल पर क्लिक कर दें तो आपका Cloudflare का CDN सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अगला स्टेप ये है कि आप जब भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो थीम होती है उसको ऑप्टिमाइज करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपनी थीम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है वेल ऑप्टिमाइज्ड कोड। इसका मतलब ये है कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का कोड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और वर्डप्रेस के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा है लाइटवेट। इसका अर्थ यह है कि आपकी थीम लगभग 100 किलोबाइट्स जितनी होनी चाहिए। तीसरा है कंपेटिबिलिटी विथ डिफरेंट ब्राउजर्स। आपकी वेबसाइट हर ब्राउजर के साथ चलनी चाहिए, चाहे वो गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर फायरफॉक्स, सब पे चलनी चाहिए।
चौथा है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। जब बात आती है वेबसाइट को एक्सेस करने की, तो वो किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो या फिर टैबलेट। हर प्रोडक्ट पर आपकी वेबसाइट अच्छे से रिस्पॉन्सिव दिखनी चाहिए। पांचवा है ईएमपी रेडी। ईएमपी टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पर स्पीड में लोड करवा सकते हैं। तो याद रहे कि आप जो भी थीम इस्तेमाल कर रहे हो वो ईएमपी रेडी बेस्ड हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जब भी अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो इमेजेस अपलोड करते हैं उसकी साइज का जरूर ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट में फोटोज को अपलोड करते हैं तो उसकी साइज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपके यूजर्स को आपकी वेबसाइट लोड होने में स्लो हो जाती है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। और आइए अब जानते हैं कि कुछ पॉइंट्स जिसको आप अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। याद रहे, आप अपनी इमेजेस की साइज को 500 KB से नीचे ही रखें, और कम करने के लिए आप टाइनी PNG जैसे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी फाइल फॉर्मेट होते हैं उसका जरूर ध्यान रखें, जैसे कि JPEG, JPEG तो वो फोटोज के लिए यूज होता है, फिर PNG तो वो ग्राफिक्स और ड्राइंग के लिए यूज होता है, और Web+P जो कि हाई रिजोल्यूशन के साथ आता है लेकिन वो JPEG और PNG से छोटा होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज आपने सीखा कि वर्डप्रेस वेबसाइट को आप स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में हमेशा स्वागत करते हैं। और हाँ, जब भी आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स को hostinger.in पर आकर खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।